डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था यानी कि जनता का राज्य। एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता, समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। दोस्तों, मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं DSL लाइव। और आज मैं डेमोक्रेसी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फ्रांस ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे ये पता चल रहा है कि अब दुनिया के हर देश से धीरे धीरे डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। फ्रांस ने बिल पास किया है जिसका विरोध प्रदर्शन भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। उसने बिल ये पास किया है कि कोई भी पुलिस वाला अगर होगा तो उसका कोई भी फोटो नहीं खींच सकता, ना ही उसकी कोई वीडियो बना सकता, चाहे वो जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो। अगर ऐसा किया तो 1 साल की सजा का प्रावधान इस बिल में किया गया है और ये बिल पास कर दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। तो मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, हालांकि फ्रांस की खबर है लेकिन खबर कोई भी हो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, 2020 में जी रहे हैं, 21 आने वाला है। और एक वक्त होता था हजारों साल पहले जहाँ राजतंत्र चलता था, एक राजा होता था, वो जो कहता था वही सबको करना पड़ता था। और लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी में पहला देश ऐसा था अमेरिका जो जिसमें डेमोक्रेसी आई, और आज भारत ऐसा देश है जहां सबसे बड़ा देश है जहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक देश सबसे बड़ा भारत है। लेकिन हर देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी का जो अर्थ है, जो नाम है, सिर्फ नाम रह गया है लेकिन उसके पीछे का मकसद वो खत्म होता जा रहा है। फ्रांस के इस बिल के आने के बाद से वहां जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, इतना प्रदर्शन हो रहा है कि वहाँ पर आगजनी तक हो चुकी है। ये बात मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये हाल कहीं ना कहीं भारत में भी है। हमने भारत में भी देख रहे हैं कि भारत में जो सरकारें हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी जर्नलिस्ट पर टॉर्चर किया जा रहा है। अगर हम महाराष्ट्र जाएँ तो महाराष्ट्र में भी यही हाल है, बंगाल जाएँ तो बंगाल में भी यही हाल है। जहाँ जिसकी सरकार है तो वो मिसाल आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब चल रहा है कि यहाँ मेरी सरकार है तो जो मैं चाहूँगा वो कहूँगा, आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ बाहर के देशों में भी देखने को मिल रहा है, यूरोपियन कंट्रियों में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम पीछे इलेक्शन की बात करें अमेरिका के, तो अमेरिका में भी यही देखने को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप हार गए लेकिन जो डेमोक्रेसी का रूल है कि आप हार गए तो आपको इज्जत के साथ से अपना पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अपना पद छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने इस पर हिंसा तक करवा दी गई है, उनके समर्थकों ने, समर्थक थे या उनके गुंडे थे। तो डेमोक्रेसी हर देश से ख़त्म हो रही है, भारत में भी यही हाल है। इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ डेमोक्रेसी की, कि ये डेमोक्रेसी जो हम कह रहे हैं क्या वास्तव में हमें मिल रही है। यहाँ तक कि हाल ये हो चुका है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, हमें कैसे जीना है, ये भी हमारे लिए दूसरी संस्थाएँ डिसाइड कर रही हैं। लव जिहाद कानून बना दिया गया है, और जबकि जो कानून बनाया उसमें लव जिहाद वर्ड भी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो बिल पास कराने की बात हो रही है उसमें लव जिहाद वर्ड भी नहीं है और उसको कानून को पास कर दिया गया है, वो कानून बन रहा है। तो अब वही समय चल रहा है जो समय 1000 साल पहले होता था, कि एक राजा होगा वो डिसाइड करेगा आपको कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब दूसरे लोग आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं। और एक्चुअल में बहुत से लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी तबके के हो, हर कोई इसको सपोर्ट भी कर रहा है। आज़ादी का जो नाम था बस वो एक नाम रह गया है, वो आज़ादी है कहाँ किसी को पता नहीं। हर देश का यही हाल होता जा रहा है, धीरे धीरे डेमोक्रेशन जो थी वो ख़त्म हो रही है। हम चाइना की बात करें तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उनमें और हमें अब कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, जिस तरह के कानून एक के बाद एक सरकारें बनाती जा रही हैं। रशिया की बात करें तो रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पास किया है कि आजीवन उन पर कोई भी केस नहीं कर सकता, यानी कि वो कुछ भी करें उन पर केस नहीं होगा। सऊदी अरब की बात करें तो उसने तुर्की में अपने एक पत्रकार को मरवा दिया था, एक वहाँ की सरकार ने, जिसके चलते उसको UN में या ह्यूमन राइट्स में जगह नहीं मिली। तो ये सरकारों का हाल है हर देश की, हमें सिर्फ नाम के लिए आज़ादी मिल रही है लेकिन हमारी आज़ादी कहाँ है वो खोती जा रही है, कहीं पर आज़ादी नहीं है। सरकार आती है, नया कानून बनाती है, उस कानून में वो पहले ये देखती है कि हमारी सरकार कैसे बनेगी, हमारी सरकार कैसे बचेगी। सबसे पहले उस कानून में ये देखा जाता है कि एक बार कुर्सी मिल गई तो अब हमें इससे हटना नहीं है, चाहे जनता कुछ भी कहे, हम ऐसे कानून बना देंगे ताकि हमें कोई हटा ही ना सके। तो यही ऐसा लग रहा है धीरे धीरे भारत में भी होने वाला है। लेकिन
आज भी बहुत बड़ा दबका है जो डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाता है, और उसके लिए जरूरत होती है कि सबको एक साथ आना पड़ता है, जो फ्रांस में हो रहा है। आज फ्रांस में सड़कों पर विरोध हो रहा है, वही फ्रांस जो थोड़े दिन पहले वहां के राष्ट्रपति का सपोर्ट कर रहा था, किस चीज के लिए, जो फ्रांस ने कार्टून बनाए गए थे पैगंबर मोहम्मद पे, तो फ्रांस ने उसको सपोर्ट किया था राष्ट्रपति ने, तो वही लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, और आज वही लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो डेमोक्रेसी का अर्थ जो है वो सिर्फ अर्थ ना रहे, उसको बचाना भी बेहद जरूरी है। तो चाहे सरकार कहीं की भी हो, चाहे फ्रांस की हो चाहे भारत की हो, इस तरह के कानून वाकई में आजादी के या डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके खिलाफ है। फ्रांस में हालांकि ह्यूमन राइट्स ने भी इस पर अपनी चिंता जताई है, उसने भी ह्यूमन राइट्स ने भी ये कहा है कि ये जो बिल्कुल फ्रांस ने कराया बेहद गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये आप ह्यूमंस के जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स जो है वो आप छीन रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं, लिंक में शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने आर्टिकल 32 के बारे में बात करी थी कि किस तरह से आर्टिकल 32 से अर्णब गोस्वामी को फायदा मिला, लेकिन उसी आर्टिकल 32 को दूसरे को लाभ नहीं मिल रहा, दूसरे को नहीं दिया जा रहा सुप्रीम कोर्ट से उसका लाभ। तो ये डेमोक्रेशन चल रहा है अब कि सरकारें अपने हिसाब से चला रही हैं किसको क्या देना चाहिए नहीं या नहीं देना चाहिए। तो जरूरत है कि हम जागरूक हों, हम चीज़ को समझें। बात सिर्फ भारत की नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हो रही है कि डेमोक्रेशन पूरी दुनिया का खतरे में आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी? अगर लगता है कि मैंने सही कहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।